जैसे कल मैं बोल रहा हूं कि रोको रोको मत जाने दो, इसमें देखो शब्द एक ही है लेकिन क्या हो रहा है जो प्रतीक चिन्ह है उनसे अर्थ बदल जाता है। कैसे? इसी को अगर हम इस प्रकार से लिख दें, रोको मत तो इस प्रकार से हमें इन प्रतीक चिन्हों की को बच्चों के साथ साझा करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बेटा इसका अर्थ बदल जाता है इन चीजों से। अब